हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था 46 प्रॉब्लम नंबर 46 को, जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया था, मैं अपने इस वीडियो में आपको इसे पूरा करके दिखाता हूँ। ये क्या है, राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू शेडेड पार्ट इन इच फिगर। राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू शेडेड पार्ट इन इस फिगर। अब आपको फ्रैक्शनल नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको इस लिखना है। कैसे करेंगे इसको, जैसे आप देखिए इस बॉक्स पे पहले नंबर प्रॉब्लम नंबर वन में दो बॉक्स हैं जिनमें से एक शेडेड है, ठीक है। तो जैसे आप लोग क्या करते हो, अगर आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका पेपर, आप पेपर देने जाते हो, अगर 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर है और मान लीजिए आपके 5 सवाल सही हैं, ठीक है ना, 5 करेक्ट आंसर आपने दिए हैं, तो आपको क्या मिलता है, 5/10, यानी 10 में से आपको मिले 5। यहाँ पे देखिए दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स में से एक बॉक्स शेडेड है, ठीक है, एक बॉक्स शेडेड है और एक बॉक्स शेडेड नहीं है, लेकिन बॉक्स दो है, तो दो में से एक यानी 1/2। तो इसका फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शन जो आपको मिला वो क्या मिला, 1/2। इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर टू में देखिए इसमें कितने बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 बॉक्स हैं और जिसमें से शेडेड बॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 शेडेड बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 3 शेडेड नहीं है, तो टोटल 8 बॉक्स में से आपके पास 5 शेडेड बॉक्स हैं। तो कैसे लिखेंगे, 5/8, यानी 8 में से 5 जो है आपके क्या है, शेडेड है। इसी तरह इस ट्रायंगल जो बना है इसमें देखिए दो पार्ट है, ठीक है, एक शेडेड है एक नहीं है, तो यहाँ पे 1/2, 2 में से 2 भाग में एक शेडेड है। इसी तरह यहाँ से देखिए इसके चार, इस सर्किल के 4 पार्ट हैं, ठीक है, और 4 में से 3 शेडेड है, 1, 2, 3, और एक शेडेड नहीं है, तो इसे लिखेंगे 3/4, यानी 4 में से 3 शेडेड है, एक शेडेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 47 नंबर प्रॉब्लम पे। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन द बॉक्स, ठीक है, राइट द टाइम शोन बाई ईच क्लॉक इन द बॉक्स। अब आपको इसमें बताना है कि सभी घड़ियों में क्या टाइम हो रहा है एक एक करके। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आवर वाला जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, यानी ये हमें आवर बताती है, ये जो इससे बड़ी वाली सुई है मिनट की है, ये हमें मिनट बताती है। एक अगर हमारे पास नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं 12 मान के चलता हूँ, अगर यहाँ से ये छोटी वाली सुई यहाँ पे आती है, ये 12 पे जाती है, तो क्या होता है, एक घंटे का आता है, 60 मिनट्स का एक आवर होता है। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट की छोटी सुई 4 पे है और बड़ी सुई कितने पे है, 12 पे, तो इसमें 4 o'clock यानी 4 बजे हैं, ठीक है। लिखने का तरीका आप जानते ही होंगे, 4 o'clock, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में ये छोटी वाली सुई है और बड़ी वाली सुई 6 पे है, तो 6 5 30 यानी 3:30 इसमें हो रहे हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए छोटी वाली सुई करेक्ट 8 पर है और बड़ी वाली सुई 12 पर है, इसमें 8 o'clock हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, 1 और 2 के बीच में ये आवर वाली सुई है और बड़ी वाली सुई कितने पे है, देखिए 6 पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 6 पर है, तो ये 1:30 यानी 1 hour 30 minutes। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 48 पे। लुक एट द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर शेप्स। अब इनके शेप्स बताने हैं, आपने अगर शेप पढ़े होंगे तो आपको शेप बताने हैं।
कौन कौन से शेप है यहाँ पे, तो ये आप जैसे जानते हैं सर्किल नहीं है, स्फीयर है, ये क्यूबॉइड है, क्यूब, सिलेंडर, कॉन और ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये शेप है, आप इसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, स्फीयर SPHERE, क्यूबॉइड QUBOID, CUBE को क्यू, CYLINDR सिलेंडर, CON कोन, और ये भी क्यूबॉइड CUBOID क्यूबॉइड। तो आप इसको जो है लिख सकते हो अपने जो है खुद, ठीक है। तो ये हमारा डिवीजन था 48, जो प्रॉब्लम्स थे वो आज खत्म हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रीजनल नंबर्स एंड रोमन नंबर्स, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनल नंबर और रोमन नंबर्स के बारे में